स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिए शिक्षा को दिशा और दशा देने के लिए भारत सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानी जाती है। मैं इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर एक वीडियो लेकर के दिनेश कुमार व्यास आपके सामने आया हूँ। मेरे इस चैनल पर सभी शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है एवं सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में पता चल सके। शिक्षा नीति के बारे में बात करने से पहले हम विचार करें तो शिक्षा स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। स्वतंत्रता से पहले 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक मैकाले माइनट लाए थे। उसके बाद 1968 में शिक्षा नीति आई थी, 86 में एक शिक्षा नीति आई थी और उसके 34 वर्षों बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। इनके इस टाइम पीरियड में बहुत सारे आयोग भी आए हैं, रेले आयोग, राधाकृष्णन शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले 1835 में आई गई शिक्षा नीति के बारे में। ये शिक्षा नीति नहीं होकर के अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एजुकेशन एक्ट था, जो उस समय के लॉर्ड विलियम बैटिंग गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके समय में थॉमस बेटिंगटन मैकाले एक अंग्रेज ऑफिसर थे, जो एक मेमोरेंडम स्मरण पत्र लेकर के आए थे जो मैकाले माइनट के नाम से प्रसिद्ध है। उनका उद्देश्य एकमात्र ये था कि मैकाले के द्वारा फिल्ट्रेशन थ्योरी के द्वारा भारतीयों की ऐसी प्रजा उत्पन्न करनी है जिसका रंग और वर्ण तो भारतीय हो लेकिन उनके दिमाग से सारे सारे अंग्रेजी, दिमाग में अंग्रेजियत भरी गई हो। उसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने का श्रेय जाता है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी गांधी को। उन्होंने कोठारी शिक्षा आयोग जो 1964 से 1966 में बना था, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 1968 में पहली भारत की शिक्षा नीति लेकर के आई थी। उनका उद्देश्य यह था कि सभी को समान शिक्षा में समान अवसर मिले और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। इस शिक्षा नीति का जो इंदिरा गांधी के समय में आई थी, सबसे महत्वपूर्ण क्या था, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसे अपन त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं, त्रिभाषा सूत्र। ये इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद 1986 में 21वीं सदी की परिकल्पना के लिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव जी गांधी लेकर के आए थे। इस शिक्षा नीति में ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, जिसमें सभी स्कूलों को सारी की सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए। इसमें चाइल्ड सेंटर अप्रोच प्रोफेसर यशपाल के द्वारा गठित लर्निंग विदाउट बर्डन के सिद्धांत के आधार पर आधारित था। इस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण कार्य ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना थी, जिसके तहत इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना नई दिल्ली में सर्वप्रथम पहली बार की गई थी और 6% GDP का शिक्षा पर खर्च करने के लिए इसमें लक्ष्य रखा गया। इस शिक्षा नीति का सबसे और अति महत्वपूर्ण कदम था जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना, फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया, रूरल चिल्ड्रन के लिए सबसे पहले इस शिक्षा नीति में JNV की स्थापना का एक लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए एक नवोदय विद्यालय समिति बनाई गई। उसके द्वारा सर्वप्रथम दो विद्यालय झज्जर हरियाणा और अमरावती महाराष्ट्र में खोले गए। ये एक सह आवासीय विद्यालय हैं। ये इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1986। इस शिक्षा नीति में 1992 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए थे, उनको प्रोग्राम ऑफ एक्शंस कहा जाता है, तो इसलिए इस शिक्षा नीति को 1986 और 1992 भी कहा जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। उसके बाद शिक्षा में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सभी को शिक्षा दिलाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट लाए थे, जो 4 अगस्त 2009 को भारत की पार्लियामेंट ने पास किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सभी को मुफ्त शिक्षा देना, और ध्यान रखिए इसमें एज ग्रुप क्या था, 6 to 14। ये कॉन्स्टिट्यूशन में Article 21A के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया था और अपना देश भारत 135 देशों के साथ खड़ा हो गया,
जिन्होंने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट दिया। और ये जरूर याद रखिए, ये कब लागू हुई थी पूरे भारत में, 1 अप्रैल 2020, शिक्षा का अधिकार, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें हम सब पढ़ें, ये देखिए शिक्षा का अधिकार, ये बच्चे पढ़ते हुए इसे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। तो देखिए 1986 को 1992 भी कहा जा सकता है। उसके बाद मेजर रिफॉर्म तो था, ड्रास्टिक रिफॉर्म आरटीई था। आरटीई के बाद एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के तहत अचीविंग ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए और रोट डेवलपमेंट, रोट लर्निंग को हरेस करने के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई, जिससे स्कूल से निकलते समय बच्चे के पास अपना निर्धारित लक्ष्य हो, इसको पूरा करने के लिए 2020 में एक नई शिक्षा नीति लाई गई। इसकी परस्पेक्टिव में बात करें तो जनवरी 2015 में कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी थी। तो स्मृति ईरानी जो एचआरडी एमएचआरडी मिनिस्टर थी, उनके कार्यकाल में इस शिक्षा नीति पर कार्य शुरू हुआ और जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उन्होंने रिपोर्ट 7 मई 2016 को रिपोर्ट दी। स्वर्गीय टीएसआर सुब्रमण्यम के समय में एक कार्य शुरू हुआ और इसका उद्देश्य, ये जो कमेटी बनाई गई सुब्रमण्यम कमेटी का, इसका उद्देश्य था क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इम्प्रूव करना, क्रेडिबिलिटी ऑफ इम्प्रूव करना, एड्रेस द गैप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करने में जो गैप है उसको सही करना, इसके बारे में सुझाव देना। इस कमेटी के निर्णय को सार्वजनिक किया गया। उस तत्पश्चात एचआरएम ऑनरेबल प्रकाश जावड़ेकर जी शिक्षा एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बने। उनके समय में सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के क्रम में आगे महत्वपूर्ण कदम था 2017 में प्रकाश जावड़ेकर जी के कार्यकाल में एक 9 सदस्यीय आयोग बनाया गया, 9 सदस्यीय मेंबर्स का आयोग बनाया गया, जिसके हेड के कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इसरो जो 1994 से 2003 इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रहे थे, उनको अपॉइंट किया गया था। कृष्ण के कस्तूरी रंगन के बारे में शिक्षा में कोई डाउट नहीं है, ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ 3 मेजर सिविलियन अवार्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिल चुके हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वो चेयरमैन रह चुके हैं। तो भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मेरी नज़र में इसका आयोग का गठन किया गया, 9 सदस्यीय आयोग। उसमें एजुकेशनिस्ट वी कामत, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट केजे अल्फोंसे और मंजुला भार्गव, मैथमेटिक्स की बहुत रिनॉर्ड प्रोफेसर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, उनको भी शामिल किया गया। रामशंकर कुरियल, कट्टामणि, केवी त्रिपाठी, मजर असीफ और एम के श्रीधर जैसे महत्वपूर्ण शिक्षाविदों को, 9 शिक्षाविदों को इसमें शामिल किया गया। तो ये कमेटी है के कस्तूरी रंगन कमेटी। इस कमेटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया, ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में जारी किया, जो 484 पेज का था, जिसको एमएचआरडी ने मई 2019 में पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज कर दिया गया। इस ड्राफ्ट के बारे में ध्यान देखिए, ये ड्राफ्ट भारत में अभी तक के जितने भी कोई भी कानून बनाए गए सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ड्राफ्ट है। इसमें 2 लाख सजेशन पंचायतों द्वारा दिए गए, विलेज पंचायतों द्वारा दिए गए, 6600 ब्लॉक के द्वारा, 6000 अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, 676 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा और 54 MPs ने इसमें सजेशन दिए हैं। तो 2 लाख ग्राम पंचायत, ध्यान से देखिए इतनी ज़्यादा सजेशन है, इनको इसने स्वीकार किया है, इनके ऊपर डिस्कस किया और फिर एक नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बनाया गया, जिसका उद्देश्य था एडुकेट, इनक्रेज और इनलाइटन, ये इसका मुख्य उद्देश्य था पॉलिसी का। और ये देखिए नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट है, जब उन्होंने इसको 2020 में जब इस पॉलिसी अप्रूव हुई थी। फिर देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अप्रूव की गई थी यूनियन कैबिनेट के द्वारा 29 जून 2020 को। इस समय शिक्षा मंत्री हैं एचआरएम ऑनरेबल एचआरएम श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक। उनके कार्यकाल में देखिए पॉलिसी का ध्यान रखिए, 3 एजुकेशन मिनिस्टर के समय में ये पॉलिसी बनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में देखिए स्मृति ईरानी जी, उनके समय में कार्यकाल पहले समिति बनी, फिर सेकंड आपके प्रकाश जी जावड़ेकर और थर्ड हैं अपने जो वर्तमान रमेश पोखरियाल जी निशंक साहब। देखिए ये NEP भारत की पहली ऐसी शिक्षा नीति है 21st सेंचुरी की,
पहली, और ये देखिए 34 वर्षों के बाद भारत के शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति बनी है। इसका उद्देश्य क्या था, 2030 तक एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना, सतत विकास के एजेंडे के अनुरूप प्राप्त करना है। और इसका मुख्य सिद्धांत है असेस इक्विटी क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये इस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसका एकमात्र उद्देश्य यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्यों कहा गया, क्यों किया गया, क्योंकि देखिए पीसा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में इंडिया की रैंक अच्छी नहीं है, तो इसके लिए क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्क्लेव को ऑन ट्रांसफॉर्मिंग रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि ये 21st सेंचुरी के लिए फाउंडेशन है और ये नीट और स्टूडेंट इनटू ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य व्हाट टू थिंक, जो आजकल अपना उद्देश्य है उसकी जगह अपन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हाउ टू थिंक, क्या सोचें कि नहीं क्यों, हाउ कैसे करें। ये देखिए कॉन्क्लेव जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय और ये इसके कमेटी के चेयरमैन और सभी शिक्षाविद, देखिए आपके सामने ये माननीय एचआरएम मिनिस्टर और सभी इसमें शामिल हैं। तो ये इस शिक्षा नीति के बारे में, ये देखिए शिक्षा नीति को, जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें रमेश पोखरियाल जी निशंक साहब ये अपने वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वर्तमान इनको शिक्षा मंत्री कहेंगे। देखिए मैं शिक्षा मंत्री शब्द यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेजर रिफॉर्म इसमें महत्वपूर्ण जो सुधार हुए हैं, पहला महत्वपूर्ण सुधार है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, इसका पहला महत्वपूर्ण सुधार क्या है, देखिए शिक्षा मेरी नज़र में, वैसे पूरा ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ मेरी दृष्टि से जो सुझाव है, जो अच्छे सुझाव मुझे लगे उनको मैं दृष्टिगत यहाँ कर रहा हूँ। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। तब रमेश पोखरियाल जी पहले मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे, अब आजकल क्या है, शिक्षा मंत्री है। तो देखिए शिक्षा की जो नीति लाई गई है उसका अंतिम ड्राफ्ट जब मंजूर हुआ कैबिनेट के द्वारा, उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल जी निशंक। तो अगर इस प्रश्न का जवाब अपने पास शिक्षा मंत्री कौन थे तो रमेश पोखरियाल जी निशंक होंगे। अब इसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म है स्कूल एजुकेशन में, 10+2 खत्म, देखिए 10+2 को खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। अब जो नया सिस्टम आपके पास लगाया गया वो कौन सा है, 5+3+4। देखिए अब आप नया सिस्टम जो आपके पास लगाया गया, देखिए कौन सा है, 5+3+4। देखिए नया सिस्टम जो आपके पास है 5+3+3+4, इसके बारे में आगे बात करता हूँ। देखिए इसका तीसरा महत्वपूर्ण क्या है, यूजीसी का विलोपन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उसको खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, उसकी जगह नया कमीशन बना दिया गया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण। और इसका नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण है ग्रेजुएशन में जो टाइम पीरियड है उसको 4 साल कर दिया गया, 3 साल की भी जो ग्रेजुएशन होती है 3 साल जगह 4 साल कर दिया गया। और इसका सबसे अच्छा सिस्टम है मल्टी एग्जिट सिस्टम, इसमें जब आप चाहें तब आप छोड़ सकते हैं। फिर ये देखिए इसका महत्वपूर्ण था, इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण था कि इस शिक्षा नीति का कि जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वर्तमान में 1.6 के लगभग है, उसको कहाँ तक करना है, 6% तक करना है, 6%। देखिए 7.5% जीडीपी जो है, 7.5% जीडीपी का ये भूटान और कोस्टारिका, भूटान और जिम्बाब्वे दो ऐसे देश हैं जिनमें है, और 7% कोस्टारिका दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में है, इंग्लैंड में 5.5% है और अमेरिका जैसे विकसित प्रदेश में इतना कितना 5% है, भारत में वर्तमान में 4% से कम है। और इस भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ हो सकती है इसका एक कारण, मेरी नज़र में भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थे और भारत की सीमाओं में हमेशा चीन और पाकिस्तान से खतरा रहता है, भारत का रक्षा बजट ज़्यादा हो सकता है, ये इसका एक कारण मेरी नज़र में हो सकता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म का महत्वपूर्ण टारगेट है वो क्या है, GER गोल। देखिए GER का मतलब होता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, इसका शिक्षा का निर्मत तो उद्देश्य विल बी इंक्रीज अप टू 2035 तक ग्रोस इनरोलमेंट रेशो बढ़ाना है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ रहते हैं आप 1000 बच्चे हैं आपके पास, 1000 में से अगर मान लीजिए 357 बच्चे ही अगर जा पाते हैं तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो क्या होगा इसके आधार पर निकाला जाएगा। तो अब देखिए सेकेंडरी तक 100% आपका पास क्या होना चाहिए, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो होना चाहिए, क्लियर, सभी जितने बच्चे हैं सारे सारे क्या होना चाहिए, इनरोल्ड होने चाहिए 100%, यानी 1000 है तो 1000 में से आपके पास 1000 ही बच्चे आपके पास क्या होना चाहिए, इनरोल्ड होने चाहिए। ये अगर आपके इसका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे 1000 तो देखिए 1010 तो ये क्या आ गया आपके पास 35.5
7% ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो। तो सरकार का जो उद्देश्य है, वर्तमान में ग्रोस इनरोलमेंट रेशो कितना है, 56.5% है करंट में फोर क्लास 11th एंड 12th के लिए, उसको क्या करना 100% करना, लगभग जस्ट डबल करना। और हायर एजुकेशन में 50% करना है, अभी करंट में कितना 27.4% है 2017-18 अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग 27.4% है। तो देखिए 50% करना है तो ऑब्वियसली ये जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है उनकी संख्या क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी स्कूल है उनका भी सेकेंडरी और प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में, प्राइमरी में तो लगभग 100% के करीब है और अपर प्राइमरी में 95% से अबव है। ये टारगेट तभी अचीव हो सकता है जब हम एग्जिस्टिंग अप्रोच में एक डायनामिक चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए और जिससे एकेडमिक, ओकेशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इक्वल वेटेज दिया गया है एंड पूरी शिक्षा नीति में फोकस किया गया है कि विद्यार्थियों का जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसी में उनको अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और स्किल को डेवलप कर सके एंड स्कूल और कॉलेज से निकलते समय रियल वर्ल्ड के लिए तैयार रहें और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे सकें। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य इसमें किया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी को चार भागों में बांटा गया, पहला स्कूल एजुकेशन है, दूसरा हायर है, दूसरा अदर की एरिया ऑफ फोकस है और मेकिंग इट हैपन, इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। मैं स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर बात करूँगा, रिमेनिंग के पार्ट्स के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन में अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दिया गया, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मैथमेटिक्स के लिए इसके लिए काफ़ी स्किल दिया गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन इसके लिए जोर दिया गया है। इसमें 8 टॉपिक है टोटल, जिसमें से 3 टॉपिक मेरी नज़र में काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन पर मैं चर्चा करूँगा। हायर एजुकेशन में इसको 11 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें उसमें न्यू विजन दिया गया है, टीचर एजुकेशन के बारे में बात की गई है, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई है और थर्ड पार्ट में इसमें अदर की एरियाज ऑफ फोकस में 5 टॉपिक्स हैं। उसमें देखिए ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन जो आजकल कोविड की सिचुएशन के कारण एक बहुत ही एसेंशियल हो गया है, इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है और प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है और प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा अच्छी तरह से। मेकिंग इट हैपन्स इसको कैसे, इसमें तीन टॉपिक में डिवाइड किया गया, तीन स्ट्रेंथनिंग ऑफ केप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कहा गया और फाइनेंसिंग इनको फंड किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में बात की गई है। आप देखिए मोस्ट पॉपुलर जो इसका सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, जैसे इसमें लिखा था 10+2 फिनिश, देखिए 10+2 को ख़त्म कर दिया गया, नया सिस्टम जो आपके पास लाया गया। ये देखिए अपना प्रीवियस एकेडमिक सिस्टम स्ट्रक्चर था 10+2, तो देखिए 10th कहाँ से स्टार्ट होती थी, 6 से और 2 सेकेंड या 10+2 11th और 12th क्लास थी। अब आपके पास स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए ये आपके पास है 5+3+3+4। अब अपना जो सिस्टम होगा देखो 5+3+3+4 ये क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट टाइप में देखो इसको क्या कहेंगे, फाउंडेशन फर्स्ट स्टेज को, सेकंड को कहेंगे प्रिपरेटरी, थर्ड को मिडिल और फोर्थ को अपन क्या कहेंगे सेकेंडरी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्कूल एजुकेशन 5+3+4 देखिए ये आपके पास है, देखिए 5+3+4 सिस्टम में, देखिए 5 इस सिस्टम में, देखिए सबसे पहले फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन स्टेज क्या होती है 5 ईयर, इसमें क्या होगा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बच्चा 3 साल के बाद अगर इस क्लास में आता है, देखो 3 साल के बाद स्टार्ट करता है तो 3 ईयर्स की प्री प्राइमरी स्कूल है। प्री प्राइमरी स्कूल में प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाएं ये इसका करेगी इंट्रोडक्शन। अगर आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता था तो आपके केजी, यूकेजी और एचकेजी जो थे प्ले स्कूल्स ये सारे इसमें प्री प्राइमरी, इसका मतलब इसको सरकार ने क्या कर दिया, रेगुलराइज कर दिया गया, इसको मान्यता दी गई है ग्लोबलाइजेशन के कारण, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार 3 ईयर की प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने ये प्रयास किया है। फिर देखिए 2 ईयर का स्टैंडर्ड क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड के लिए 2 साल की शिक्षा होगी, 3 और 2 ये 5 देखिए 5 ईयर कंप्लीट है, 5 ईयर को डिवाइड किया गया 3+2 में। इसमें मेन रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट, सरकार का कहना है कि इसमें ब्रेन जो बच्चे का ब्रेन है वो इसी में डेवलप होता है, इसलिए लर्निंग जो बेस्ट होनी चाहिए प्ले और एक्टिव और प्ले खेल के आधार पर होनी चाहिए, एक्टिविटी के आधार पर या डिस्कवरी के आधार पर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मल्टी लेवल होनी चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। ये देखिए अपन ने फर्स्ट पार्ट की बात की है 5 ईयर्स में। फिर देखिए सेकंड स्टेप जो सरकार ने कहा है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 ईयर का है,
इसमें एग्जाम स्टार्ट होगा, देखिए इसमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो बच्चा स्कूल जाएगा, ना उसको एग्जाम देना ना कुछ करना है, तो उसका इंटरेस्ट होगा, जो गेम उसको खेलने हैं वो गेम वो बच्चा खेलेगा। तो इसमें जैसे उसको जो भी करना है, मिट्टी इसमें खेलना है या जो भी करना, घर बनाना, जो भी उसका उद्देश्य उसको पूरा करेगा, तो बच्चा खेल खेल में स्कूल जाएगा। तो सरकार का उद्देश्य एक बच्चा स्कूल आसानी से बिना तनाव मुक्त जाए। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज है, ये आपके पास देखिए 3 ईयर्स का है, इसमें आपका एग्जाम क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें 3 साल है, चूंकि 3 साल स्कूल जाएगा तो एक क्लास में तो बैठा नहीं रहेगा, तो लगातार पढ़ेगा, तो 3rd, 4th और 5th 3 साल तक वो पढ़ेगा। इसमें तो 3, 4, 5, 3 क्लास हो जाएगी। इसमें एक्टिविटी बेस्ट होगी, उसका मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मदर टंग होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिए, मदर टंग होगा, मदर टंग क्योंकि मृत इसमें मातृभाषा में जो बच्चा है वो आसानी से सीखता है और कुछ भी सीख सकता है। क्लियर, यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी इन न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाई 2025। देखिए यूनिवर्सल फाउंडेशन, ये लिटरेसी और न्यूमरेसी 2025 तक इसको प्राप्त करना है, 3rd स्टैंडर्ड तक, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइंस मैथमेटिक्स में स्टार्ट करना, इसका मुख्य सरकार का कहना है बिल्डिंग ऑन प्लेन डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी द्वारा बिगिन द ट्रांजिशन टू स्ट्रक्चरल लर्निंग, इसके द्वारा सीखे। ये देखिए प्रिपरेटरी स्टेज है 3rd ईयर, 3 ईयर की, इसमें बच्चा क्या होगा 3 to 5 ईयर तक पढ़ेगा। ये देखिए आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट, ठीक है, 3 to 5 ईयर। इसके बारे में देखिए मदर टंग के बारे में एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी मैं आपसे हम शेयर करा जाता हूँ। बीरबल के दरबार में जब अकबर के बीरबल था, तो बीरबल के दरबार में अकबर के नवरत्न के समय आया, तो उनमें कहा गया कि भाई इसको जो आदमी है वो मल्टी लैंग्वेज बोल रहा था, मल्टी स्किल था उसमें, तो उससे कहा गया कि पूछा गया कि इसकी मातृभाषा कौन सी है, तो सभी ने जवाब नहीं दिया, तो अल्टीमेटली जवाब बीरबल को देना था, तो बीरबल ने कहा कुछ नहीं, इसके कोड़े लगाओ। जब उसके कोड़े लगाए तो जब वो जिस भाषा में बोला वो उसकी मातृभाषा थी। इसका मतलब व्यक्ति की मातृभाषा हमेशा उसके साथ रहती है, उसका हमेशा पहला शब्द उसका मातृभाषा में लिखता है, इसलिए उसमें सीखना आसान होता है। अब देखिए 5 ईयर अपन बात कर चुके हैं, 3 ईयर अपन बात कर चुके हैं, ये 5 और 3 के बारे में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 3 मिडिल स्टेज। देखिए मिडिल स्टेज ये 3 ईयर का है, इसमें इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषाओं में पढ़ेगा। अब देखिए 3 साल पुनः वही बात है, 3 साल अगर स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो 6, 7, 8 3 क्लासें वो पढ़ेगा। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। लर्न कोडिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बात है लर्न कोडिंग। आप देखिए चाइना है, चाइना में बच्चा 6 क्लास से ही लर्न कोडिंग सीखता है, कोडिंग सीखना करना सीखता है, चाइना का स्टैंडर्ड क्या आप सबके सामने। लर्न कोडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि 6 क्लास में जाते ही बच्चा कोडिंग करना सीख जाएगा, लेकिन चूंकि वो कंप्यूटर नॉलेज स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे उसका क्या होगा फाउंडेशन बनेगा, जो आज 11th और 12th करने के बाद आता है वो 6th से आ जाएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ओकेशनल एजुकेशन। ओकेशनल एजुकेशन में क्या है कि बच्चे को जो इच्छा होगी वो करेगा। जैसे मान लीजिए लड़कियां हैं, लड़कियों को सिलाई में, बुनाई में, कताई में विश्वास है तो करेंगे, बच्चों को अगर जिसमें भी उसका विश्वास है, मान लीजिए उसका ओकेशन, उसको अगर आर्मी में जाना तो NCC ले सकता है, उसका जो भी ओकेशन हो, सिलाई करनी है, टेलरिंग करनी है, खेती करनी है, जो भी उसका करना हो उसको कर सकता है। अगर उसको टीवी मैकेनिक बनना है तो टीवी के लिए, या जिसमें भी करना। इसमें देखिए पहले मैथमेटिक्स साइंस और सोशल जैसे आप पहले पढ़ते थे वैसे पढ़ते रहेंगे, तो ये मिडिल स्टेज है जिसे अपन अपर प्राइमरी कहते हैं। राजस्थान में पहले अपर प्राइमरी कहते थे, अपर प्राइमरी है, और उसके बाद क्या होगा सोशल साइंस और आर्ट्स, ठीक है, तो ये सब पढ़ेगा, और इसमें क्या होगा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। फिर देखिए लास्ट 4th स्टेज जो कही है 4th, 5 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4th स्टेज देखिए 4th। तब इसमें देखिए 4th सेकेंड स्टेज आपके पास क्या 4 ईयर का, इसमें फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में एजुकेशन आप ले सकते हैं। ये देखिए 4 ईयर स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12th, इसको 2 स्टेज में बांटा गया, 1st स्टेज में 2 ईयर और 2nd स्टेज में 2 ईयर, 1st 2 ईयर में 9th और 10th, 2nd 2 ईयर में आपके पास क्या होगा 11th और 12th। इसमें मेन जो स्टेज दिया गया क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग का, ये वर्ड देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसा की जो प्रॉब्लम होती है सारी यही होती है, आपको ऐसे सोचना, आप जैसे ऐसे नहीं सोचना ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो अब आपको ये सोचना है, क्रिटिकली एनालिटिकल थिंकिंग करना है कि युद्ध अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर युद्ध में ऐसा होता तो क्या होता, ये आपका एनालिटिकल थिंकिंग है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि 1964 से 66 से किया है भारत पाकिस्तान में 3 लड़ाइयाँ हुई, तो आपको एनालिटिकल करना है, उसका एनालिसिस करना है कि लड़ाई क्यों हुई, क्या कारण था और क्या हो सकता था, ये सारी उसकी एनालिटिकल थिंकिंग है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में नो स्ट्रीम मल्टीपल सब्जेक्ट फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज किसी सिचुएशन में आप किसी से पूछते हैं तो उससे पूछते हैं कि तू क्या पढ़ रहा है, तो वो कहता है कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, एक कहता है मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा हूँ,
एक पढ़ रहा, मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ, जनरल एक ट्रेंड है जिसको बिजनेस करना कॉमर्स है, बिना काम का है कॉमर्स लेता है, जो ह्यूमैनिटीज है जिसको सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना ह्यूमैनिटीज लेता है, जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना वो साइंस लेता है। तो सरकार ने सब्जेक्ट्स के जो बेरियर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, इनकी जो बॉर्डर एरिया है सब्जेक्ट का, इनका बॉर्डर लिमिट है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। देखिए इसको कैसे किया गया है, नो स्ट्रीम मल्टीपल सब्जेक्ट फ्लेक्सिबल करके, समझे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसका मान लीजिए हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और मान लीजिए हिस्ट्री के साथ उसको अगर मान लीजिए मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स ले सकता है, और उसको लगता है कि नहीं मुझे तो मैथ्स अच्छी है, मैं तो बिजनेस भी कर सकता हूँ, तो मुझे अकाउंटेंसी लेनी है, तो वो देखिए हिस्ट्री मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी ले सकता है। इसके साथ अगर मान लीजिए उसको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक भी ले सकता है, तो कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना सकता है। अब देखिए ये बच्चा न साइंस का कहलाएगा, न ह्यूमैनिटीज कहलाएगा, न कॉमर्स का कहलाएगा, इसने सारे सब्जेक्ट ले लिया है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है, इसमें मतलब सबसे अच्छा एक दिया मल्टीपल सब्जेक्ट, आप जितने चाहें सब्जेक्ट ले सकते हैं और करिकुलम अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, और इसमें ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पायरेशन उसकी भावनाएं बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, और अगर मान लीजिए टेंथ के बाद आपने छोड़ दिया है तो 11 वापस कर सकते हो। ये इसका सबसे अच्छा पॉइंट है, मल्टीपल सब्जेक्ट या फ्लेक्सिबल करिकुलम। फ्लेक्सिबल करिकुलम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है फ्लेक्सिबल करिकुलम में। जैसे मेरा एग्जाम्पल खुद का देता हूँ, मैंने MSc मैथमेटिक्स में किया, फिर मेरे एक फ्रेंड MS नेहरा जी, उन्होंने कहा था कहीं हिस्ट्री मैथ्स वाले नहीं पढ़ सकते हैं या हिस्ट्री पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ा, फिर कंप्यूटर में भी किया। तो देखो हमने तो वैसे ही कर लिया, लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो फिर हमारा क्वालिफिकेशन या हमारी एजुकेशन अच्छी हुई जो हमने 10 साल पहले कर लिया। अब मैं इस वापस इस स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूँ। देखिए तो ये देखिए, अब इसके बारे में विचार करें, ये बहुत बड़ा मिथ है अभी अपने आप सबके बीच में, मिथ एक मिथ है, भ्रम है, इस भ्रम को आप दूर करिए कि इस एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा समय लग रहा, नहीं लग रहा। देखिए मैं आपके सामने भी प्रूव करता हूँ। देखिए पहले बच्चा छः साल में होता था, तो देखिए आपके पास 10 और 2 12 और 6 18, या 5 साल माने 6 में 6 से 16 में, तो 17 18 साल इसमें लगते थे। अब इसमें देखिए 3 साल का बच्चा लेगा, 3 साल आंगनवाड़ी में जाएगा, 5 यानी 5, ये आपके पास देखो 5 3 3 और 4 काउंट करिए, देखिए 4 7 3 10 15, 15 और 3 साल का बच्चा कितना हो गया 18। ये देखिए सिस्टम वही है। तो आपके पास जो ये सिस्टम था 3 to 5, ये जो 5 साल आपके पास थे, बच्चा 5 साल पूरा करने के बाद छठी में जाता था, तो इस 5 साल को सरकार ने क्या कर दिया है, 3+2 में डिवाइड कर दिया गया, और इसको भी देखो क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 3 और 3, इसका छोटा सा 9th-10th का पार्ट काट करके इसके साथ कर दिया गया, तो ये 2 और 2, ये देखिए 4, ये उसी को रिस्ट्रक्चर किया गया, तो समय वही लग रहा है। इसका एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि उन्होंने जो आंगनवाड़ी है, प्ले स्कूल्स हैं या बाल वाटिका है, इनको परमिशन दी है, तो हमारे राजस्थान में चूँकि आंगनवाड़ी चलती है, पहले से चल रही है, तो इसमें एक ही ड्रॉबैक हो सकता है कि आंगनवाड़ी वर्कर इतने ट्रेंड स्किल नहीं होते हैं, एजुकेशन का उनका इतना ट्रेंड नहीं होती। सरकार ने कहा है कि हम उनको ट्रेंड कराएंगे, जो 12th तक पढ़े हुए हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो प्री प्राइमरी था उसको यूरोप के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यूरोप में ये ग्लोबलाइजेशन के कारण यूरोप के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया गया, तो एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन किया गया है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें बच्चे का, जब सब कुछ कर दिया गया तो बच्चे का जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो क्या होगा, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। देखिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, उसका प्रोग्रेस कार्ड में देखिए लीडरशिप के बारे में, क्रिएटिविटी, डाइवर्सिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, सब के बारे में उसमें मेंशन होगा, गोल सेटिंग ये सब उसके मेंशन होगा। ये देखिए इनोवेटिव, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब उसमें मेंशन होगा, और बच्चों का एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसको परख का नाम से दिया गया, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके द्वारा टेस्ट किया जाएगा ताकि सभी के स्टैंडर्ड का पता चले। और इसका शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो होलिस्टिक होगा, 360 होगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका जो असेसमेंट होगा, अभी तक अपने क्या होता है परीक्षा के द्वारा कौन असेस करते हैं, टीचर, हम लोग असेस करते हैं, टीचर ही असेस करता है, अब बच्चा खुद भी असेस करेगा। खुद असेस का मतलब जब बच्चा 12th पास हो जाता है या ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, जब वो मार्केट में जाता है तो उसको पता चलता है जब बाहर निकल के तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो अपना पहले से एनालिसिस करेगा, तो खुद भी नंबर देगा अपने आप को कि मैं इसमें कितने नंबर दे पा रहा हूँ, और ये तभी संभव होगा जब बच्चा अपने बारे में सोचेगा। इसके बाद देखिए पीयर असेसमेंट, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, पीयर असेसमेंट के अंतर्गत बच्चा, अब बच्चे को उसके साथी भी नंबर देगी पीयर, उसके दोस्त भी उसको नंबर देंगे, तो उससे बच्चा क्या बनेगा, देखो सामाजिक बनेगा,
बच्चा क्या बनेगा, सोशल बनेगा, दोस्तों से अच्छे संबंध रखेगा, तो नेचर में क्या होगा, उसमें एडजस्टमेंट की टेक्निक आएगी, उसको सोशल, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल्फ और पीयर असेसमेंट, ये इसमें शामिल किया गया। देखिए हालांकि हर चीज़ में नेगेटिव होती है, इसमें कुछ नेगेटिव ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ये बिल्कुल असंभव सा लगता है, असंभव लेकिन मुमकिन और संभव, ठीक है। तो ये बहुत ही असंभव सा लगता है लेकिन बिल्कुल संभव, नामुमकिन नहीं है और बहुत ही अच्छा अप्रोच है। इससे क्या होगा, असेसमेंट जो उसका होगा किसके लिए होता है, फॉर लर्निंग, एज अ लर्निंग और ऑफ लर्निंग, सारे असेसमेंट उसके किए जाएंगे। देखिए फिर सबसे बेस्ट इसका है, उसका जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो क्या होगा, होलिस्टिक होगा, 360 डिग्री होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बोर्ड एग्जाम, इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ इसी पॉइंट के लिए देख रहे होंगे इसको, बोर्ड एग्जाम के बारे में क्या होगा। तो देखिए बोर्ड एग्जाम 10th और 12th का जो कंटिन्यूड होगा, खत्म नहीं किया गया, इस चीज़ को ध्यान रखें। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको क्या होगा, रिफॉर्म किया जाएगा और रीडिजाइन किया जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, खत्म होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जितने चाहें उतने सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभी तक आपके पास चॉइस है कि 5 सब्जेक्ट ही आपको लेने हैं, 2 लैंग्वेज और 3 अदर, 3 अदर में भी देखिए आपके पास फिक्स है, मैथ साइंस और सोशल साइंस, इन ये 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, उसके अलावा ICT और जो भी कर ले सकते हैं। तो अब इसको सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, जितने सब्जेक्ट आपकी इच्छा है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतने सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा किया गया, बोर्ड एग्जाम विल बी ईजियर, सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए नहीं होगा, 9th वालों के लिए भी नहीं होगा। मेरी संभावना है कि जो अभी 8th में है, जब तक ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, NCERT बुक डेवलप करेगी, तो अभी जो 8th में है वो 10th में आएंगे, तो उनके लिए जो 10th में बोर्ड का एग्जाम होगा वो इस पैटर्न पर होगा और इजी होगा और उसमें सारी अवेलेबिलिटीज होगी। बोर्ड एग्जाम के बारे में और देखें तो इसमें क्या क्या गया क्या कि जो ये एग्जाम है तो ये कभी भी मतलब ईजी होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट टेक बोर्ड एग्जाम ऑन अप टू द ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, ठीक है। आप जिन 2 बार दे सकते हो कभी दे सकते हो, और 2 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं स्कूल के टाइम में, एक मेन एग्जाम होगा और दूसरा इम्प्रूवमेंट है। अगर आप देना चाहें तो अभी तक आपके पास एक, मान लीजिए उस दिन पेपर दिन बीमार हो जाते हैं, पेपर बिगड़ जाता है तो आपकी टेंशन स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, तो इस एंजाइटी को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको एक चांस और दिया गया। और उसमें कहा गया कि एनुअल है, सेमेस्टर है, मॉड्यूल है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम के बारे में बात की गई है। सेमेस्टर है, इस एनुअल में क्या होता है, साल भर बच्चा पढ़ता है, एक साथ ही पढ़ता है 2 महीने के लिए, सिस्टम को हटा दिया गया है। अब क्या सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया, वो इसलिए कि बच्चा साल भर पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा चेंज इसमें किया गया है, अभी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर देखिए 2 लेवल्स में कर दिया गया है। एक आपके पास है अभी 10th में स्टैंडर्ड और दूसरा क्या है बेसिक। तो अभी क्या है कि मैथमेटिक्स में जैसा किया गया है उसको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी स्टार्ट किया जाएगा, साइंस, सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स में भी इसको किया जाएगा। देखिए मैं हम जब UK गए थे तो हमने UK में ऐसा पाया कि वहाँ एक बच्चा जिसको अगर मान लीजिए कि जिसको अगर आर्ट्स लेनी है या जिसको कुछ और कॉमर्स लेना है, ऐसा सब्जेक्ट जिसका मैथ्स को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ज़्यादा मैथमेटिक्स के कारण अपने 10th की पढ़ाई को ख़राब नहीं करे। और 10th में मैथमेटिक्स का कौन सा सब्जेक्ट लेता है, बेसिक, तो एक उसमें लैंग्वेज भी बेसिक उस ले लेते हैं और मैथ्स भी बेसिक ले लेता है और साइंस भी बेसिक ले लेता है, और जिसको पढ़ना है वो दोनों पढ़ सकता है, बेसिक और एडवांस, ऐसा भी उसमें सिस्टम है। तो इस तरह से इस सिस्टम को यहाँ फॉलो किया गया। देखिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है, वन ऑफ द गुड सिस्टम यह। हालांकि CBSE ने 2 साल से प्रैक्टिस में ले आए लेकिन इसको शिक्षा नीति के द्वारा कंटिन्यू कर दिया गया है। बोर्ड एग्जाम इन सर्टेन सब्जेक्ट, देखिए कुछ सब्जेक्ट की बात कर रहा है, सर्टेन सब्जेक्ट रीडिजाइन किया जाएगा, उसमें 2 टाइप के पेपर दिए जाएंगे, जैसे पहले हमारे राजस्थान में आते थे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे MCQ, उसको पार्ट ए कहते थे, और दूसरा पार्ट बी होता था, पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पार्ट बी मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये इसलिए किया गया कि NTA के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ट होते हैं, इसलिए डिसीजन लिया गया। लैंग्वेज के बारे में ध्यान से देखिए, इसमें मदर टंग के बारे में कहा गया है, मैंने पहले भी कहा था लैंग्वेज एक ऐसा एंडलेस टॉपिक है और एंडलेस डिबेट इसके ऊपर की जा सकती है, लेकिन मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो उसमें लिखा गया वही बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज मदर टंग में उसको मीडियम इंस्ट्रक्शन होगा। देखो जैसा उसमें लिखा गया उसी को मैं लिख रहा हूँ, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो वेर यूर पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो, देखो वेर यूर, ये वर्ड एज इट इज उसमें लिखा गया। पहला देखिए, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट Grade 5 बट प्रिफरेबली टिल Grade 8 एंड बियॉन्ड, कम से कम 8th, 5th तक और 8th द्वारा, द होम लैंग्वेज उसकी क्या होनी चाहिए, होम लैंग्वेज उसकी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए उसका देखिए रीजनल लैंग्वेज, अगर उसकी होम लैंग्वेज है या क्या होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज ये उसकी हो सकती है। दियर आफ्टर उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या वेन यूर पॉसिबल, और ये पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों को फॉलो करना होगा। फिर कह रहा हूँ देखिए इसमें लिखा हुआ वेर यूर पॉसिबल, कुछ
राज्यों में इसका विवाद होता है, इसलिए इस लाइन लिखा गया। और जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको कंटिन्यू रखा गया है, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप दो फॉरेन लैंग्वेज एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कि कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्टेट के ऊपर इम्पोज नहीं की गई है। देखिए टीचर एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, टीचर्स के लिए देखिए जब पॉलिसी, तभी कोई सफल होती है। पॉलिसी देखिए बहुत ही अच्छी, लेकिन उसका जब एग्जीक्यूशन सही होता है तभी वो पॉलिसी सही होती है। तो इसमें एग्जीक्यूशन करने के लिए इसने कहा गया है कि हाई क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड टीचर की व्यवस्था की जाएगी। टीचर की जो ट्रेनिंग है उसको 4 ईयर कर दिया गया है, जैसे अभी BTEC वगैरह हो, BTEC IIT के द्वारा या NIT के द्वारा BE की जो डिग्री होती है उसी के जैसे इसको कर दिया गया, 4 ईयर का कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है, 4 ईयर होगा। और पीपल टीचर रेशियो को 30:1 करने के लिए कहा गया और टीचरों को कॉम्पिटेंट बनाने की बात की गई है। इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण एक चेंज ये भी है, वोकेशनल एजुकेशन, इसमें एटलीस्ट 50% लर्नर्स को 2025 तक वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। इसमें जैसे स्पेशल इकोनॉमिक एजुकेशन जोन बनाए गए, इकोनॉमिक जोन के जैसे, इसमें क्या होगा जो डिसएडवांटेज रीजन है, जो कंट्रीज में, जो अपने स्टेट्स में या इंडिया में जो भी हैं, ऐसे जोन हैं जिनमें सोशल डेवलपमेंट या सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। JNV जैसे स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल और खोलेगी, ट्रांसजेंडर और वीमन्स को पर्टिकुलरली, या सोशली जो बैकवर्ड हैं उनको क्या होगी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन सबको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हाई क्वालिटी लिबरल एजुकेशन देखिए, अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं, लिबरल एजुकेशन के बारे में बात की गई है। इसमें का जो एजुकेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, देखिए बहुत ही अच्छा किया गया है। और सेंट्रल विल सेटअप एंड देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी ऑन द बेसिस ऑफ IIT की तरह, और इमेजिनेटिव फ्लेक्सिबल होगी। देखिए एजुकेशन कौन सी होगी, इमेजिनेटिव और फ्लेक्सिबल होगी, हर जगह देखिए फ्लेक्सिबल वर्ड यूज किया गया है। और अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो 3 साल की है उसको 4 साल की बना दिया गया है, 3 और 4 डिविजन को, और उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन बना दिया, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, विद इन दिस पीरियड। और इसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा एक, इसमें देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया इस पॉलिसी में, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है, USA में ऐसा पहले से है जिसमें रिसर्च का फंड होता है, 1% 2% इसमें दिया जाता है, ये दोनों बहुत ही अच्छे डिसीजन है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का यूज देखिए, अब देखिए ये सबसे अच्छा इसका पॉलिसी का देखिए पॉइंट है, फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। देखिए ग्रेजुएशन है, अभी जो ग्रेजुएशन कितनी है 3 साल की, तो अभी जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, देखो BA, BSc या BCom आपकी ग्रेजुएशन कहलाती है। अब इसको 4 साल का कर दिया गया, अगर मान लीजिए 1 साल के बाद आप छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब BA डिग्री में क्या होगा, सर्टिफिकेट, ठीक है, तब BA नहीं होगा, ग्रेजुएशन अब आपकी क्या लाएगी, ग्रेजुएशन विद क्या कहलाएगी, सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए 2 साल के बाद आपकी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती है, आप डिप्लोमा लेंगे, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा। फिर 3 साल के बाद आप क्या लेंगे, अगर 3 साल बाद छोड़ते हैं आप क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन विद डिग्री, ये आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है या उसका देना है। और अगर आप 4 ईयर्स का कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा, ग्रेजुएशन विद रिसर्च, इसे का मल्टी बहुत ही अच्छा डिसीजन बनाया गया। मान लीजिए 2 साल के बाद आपकी फैमिली कंडीशन अलाउ नहीं करती है, आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे अपन ने कहा था नेशनल बैंक ऑफ क्रेडिट है उसमें आपके मार्क्स एडिट एक्ट रहेंगे, 2 साल बाद जितने आपके क्रेडिट है उसमें मान लीजिए 30 क्रेडिट आपने प्राप्त कर लिए तो वापस आकर के इनको प्राप्त कर, अभी तक का सिस्टम है, अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट कर लिया है, 4 साल छोड़ दिया था, वापस आके आप 3rd ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छा डिसीजन है 4 ईयर, क्लियर। तो ये मल्टी एग्जिट सिस्टम कहलाता है। अब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है 1 और 2 ईयर की, देखिए 1 और 2 ईयर की इस तरह से, अगर आप यहाँ से 3 ईयर की डिग्री करके आते हैं तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा, 3 ईयर से करते आते हैं 2 ईयर होगा, और यहाँ 4 ईयर है ग्रेजुएशन विद रिसर्च, बेचलर विद रिसर्च जब कराते हैं, जैसे IIT वगैरह में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, ग्रेजुएशन विद रिसर्च, BTEC विद रिसर्च। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर यहाँ 4 ईयर करके आते हैं तो आपके पास क्या होगा, 4+1, देखो समय वही है, वही लगना है, ऑप्शन ओके वही है, ऐसा कहा गया। और देखिए PhD के बारे में, आपके पास या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या 4 ईयर डिग्री विद रिसर्च है, टेक्निकल एजुकेशन वाले तो PhD कर सकते हैं। और MPhil जो प्रोग्राम है उसको, MPhil प्रोग्राम को क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, मास्टर ऑफ फिलोसफी जो प्रोग्राम है उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, इसका बहुत ही अच्छा डिसीजन रहे हैं इस ये मल्टी एग्जिट सिस्टम वाला। और हायर एजुकेशन में देखिए उन्होंने कहा है कि ऑटोनॉमस मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखें, इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन सिग्निफिकेंटली रीच कैपेसिटी, जो सब तक पहुंच सके। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब समझिए, अभी तक क्या है, जैसे IIT है, IIT में किसकी पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की। अब सरकार ने ऐसा कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, IIT में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और मुंबई में अभी स्टार्ट कर दिया गया, इन्होंने MA, MSc इस तरह के कोर्स अभी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें टेक्नोलॉजी, मेडिकल और सारी सारी पढ़ाई एक साथ होगी, ताकि
मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे, क्लियर, सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। और हायर एजुकेशन में सरकार ने ये कहा कि तीन तरह के इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होगा, एक तो क्या वर्ल्ड क्लास रिसर्च होगी जिसमें, और हाई क्वालिटी टीचिंग होगी। सेकंड में हाई क्वालिटी टीचिंग होगी, रिसर्च आपके पास क्या होगा मिनिमम होगी, नॉमिनल होगी। और थर्ड वाले जो इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें हाई क्वालिटी टीचिंग होगी और फोकस ऑन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन होगा। फिर देखिए, रेगुलेटरी सिस्टम, कोई भी नीति तभी सक्सेसफुल होती है जब उसका रेगुलेशन सही हो। तो सरकार ने इसके करने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसको नाम क्या, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक ही छत के नीचे बनाया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। इस रेगुलेटरी सिस्टम का काम है, इसको चार पार्ट में बनाया गया है। पहला है रेगुलेटरी काउंसिल, जिसको NHERC कहते हैं, ये नियम बनाएगी, इनको नियम को नियंत्रित करेगी। एक्रेडिटेशन NAC जो पहले से कार्य कर रही है वो मान्यता देगी उनको। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था उसकी जगह यानी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन बनाया, ये उनको फंडिंग करेगी, सहायता करेगी। और जनरल एजुकेशन काउंसिल जो उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड तय करेगी और उनके लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करेगी। तो ये चारों हैं जो पॉलिसी किसके अंतर्गत कर दी गई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया UGC को अबॉलिश करके नया बना दिया गया। इंडियन लैंग्वेज को प्रमोशन करने के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्शन की स्थापना करने के लिए कहा गया है। और ये देखिए, कोविड के कारण इसमें काफ़ी चेंज हुए, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन कोविड मारने कारण के नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की स्थापना की गई है, बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि फ्री आइडिया एक्सचेंज हो। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो NCERT का उपक्रम है, उसके द्वारा उसको कहा गया है कि दीक्षा जो पोर्टल, अभी जिन्होंने दीक्षा नहीं देखा है वो एक बार दीक्षा पोर्टल को जरूर काम में लेवें। दीक्षा, स्वयं प्रभा और वर्चुअल लैब्स की स्थापना के लिए कहा गया है। और इस पॉलिसी का सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉलिसी का देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लगा है, वो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D और 7D को स्टार्ट करने के, इसके लिए इसको काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे नवोदय विद्यालय समिति ट्रेनिंग दी गई है, हमारे संस्थान प्रिंसिपल जी एस मीना साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल KS जोशी साहब, मिसेज मीरा व्यास, बच्चों और मेरे सभी स्टाफ के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके द्वारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन